वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज आपके साथ में बिजनेस मैथ्स का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके बिजनेस मैथ्स को, समझेंगे कि बिजनेस मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, और आज डे वन ही आपसे स्टडी प्लान भी डिस्कस करूंगा कि आपको किस तरीके से आपको स्टडी करनी है और क्या क्या चीज़ें मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उन पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो बच्चे, सबसे पहले मैं बिजनेस मैथ्स के बारे में आपसे यही कह करके स्टार्ट करूंगा कि मुझे पता है ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि बिजनेस मैथ्स में आपके पूरे ग्रेजुएशन में सबसे टफ सब्जेक्ट साबित होने वाला है बिजनेस मैथ्स। मेरे पढ़ाने के तरीके से मैं इसको काफी हद तक आसान बनाऊंगा, आपको एहसास नहीं होने दूंगा कि ये टफ है, लेकिन जनरली देखा जाए कि अगर बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करा जाए तो सबसे डिफिकल्ट, सबसे टफ सब्जेक्ट आपका ही रहेगा, पहली चीज ये। एंड सेकंड, सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस है इसका, सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस आपको आपके पूरे ग्रेजुएशन में मिलेगा। इससे ज्यादा वास्ट सिलेबस बिजनेस स्टैट्स का होता है, बट अभी आपका बिजनेस मैथ्स है तो बिजनेस मैथ्स का सिलेबस भी बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चे। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको बिजनेस मैथ्स को स्टार्टिंग से डे वन से ही आपको लेके चलना चाहिए। अगर आप लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, लास्ट 15 डेज पे आप सोचते हैं कि हम बिजनेस मैथ्स को कवर कर लेंगे या पासिंग मार्क्स तक कवर हो जाएगा, तो बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि बिजनेस मैथ्स के अंदर है ना, क्वेश्चंस पेपर में इस तरीके से ट्विस्ट होकर के आते हैं ना, अगर आपने कोई यूनिट प्रिपेयर भी कर ली और आपको लगता है कि चलो ठीक है यार, पासिंग मार्क्स के लिए तो हमने 3 यूनिट प्रिपेयर कर ली, तो उस 3 यूनिट में से 2 यूनिट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आप उसको हाथ भी लगा पाओगे, सॉल्व करना बहुत दूर की बात है। अब एक यूनिट 15 नंबर का क्वेश्चन कर करके तो आपको पासिंग मार्क्स पास तो होना नहीं है। और बिजनेस मैथ्स है कोई ऐसा तो थ्योरी सब्जेक्ट है नहीं कि आपने कुछ भी लिखा आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर तो अगर आपको 0 ही नंबर मिलेगा या तो फुल नंबर, फुल मार्क्स मिलेगा, ये दो ही कारण है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी जैसे उधर हुआ, आपके मार्क्स पूरे तरीके चले जाते हैं। तो पास होने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर आपको फुल सिलेबस कवर करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस। जब 5 के 5 यूनिट, अगर आप यूनिट 1 की मैं बात करूं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की, तो इसके ऑप्शन में आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स अगर आपने यूनिट स्किप कर दिया तो आपका एक क्वेश्चन तो गया। ये मत सोचिए कि ऑप्शन वाले कर देंगे, भैया ऑप्शन में भी इसी यूनिट का ही रहेगा। 5 यूनिट 5 क्वेश्चन, क्लियर है? इस बात को भी आप जरा समझिए कि अगर आपके पास में आप सोच रहे हैं 5 ही क्वेश्चन तो आएंगे, बच्चे नहीं, ऐसे नहीं। देखो, अगर एक क्वेश्चन आया है ना आपके पास में, तो उसमें ए पार्ट भी है, बी पार्ट भी है, सी पार्ट भी है, डी पार्ट भी है, क्लियर है बच्चे, समझ रहे हैं? आपका ई पार्ट भी है। कुछ कुछ सवालों में 5 पार्ट हो जाते हैं और 3-3 मार्क्स का ईच पार्ट होता है, तो एक क्वेश्चन कहने की बात है, एक्चुअल में क्वेश्चन कितने हो गए आपके, आपके 5 क्वेश्चन हो गए। ये अगला क्वेश्चन आपके पास में अगर आया तो उसमें होगा ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट, तो कहने का क्वेश्चन है 3 पार्ट हो गए। तो कुल मिलाकर के 20 सवाल तो पूछ ही लेते हैं वो आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट देने वाली बात यह है कि यूनिट 1 जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, तो इसके ऑप्शन में कोई और यूनिट नहीं होगा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ही होगा। अगर आपका बेसिक कैलकुलस है तो इसके ऑप्शन में बेसिक कैलकुलस का ही क्वेश्चन होगा। अब कैलकुलस में, जैसे कि आप बोलेंगे सर कैलकुलस में क्या है, बच्चे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशेंट रूल, लेकिन वो नहीं आएगा पेपर में। आपको वो आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा आपके एग्जाम में कि एक फर्म को कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि इसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, क्लियर है बच्चे? आउटपुट लेवल क्या रहना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम्स में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा। तो डिफरेंशिएशन आएगा तभी तो आप उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे, तो इसका ऑप्शन में भी आपको यही मिलेगा। तो यहां पर आप जैसे देख रहे हैं कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आपके एग्जाम में 20% आपका ये है। बेसिक कैलकुलस, जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि आपको सब कुछ कैलकुलस में आना चाहिए, क्वेश्चन रूल आना चाहिए, प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, सारे रूल्स आपको आने चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन पे एक अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए, और डिफरेंशिएशन पे आपके एक कमांड होने के बाद जब आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे जाएंगे तो सारा इकोनॉमिक्स का टर्म आपका यूज होगा, मार्जिन रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू, ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ यूनिट्स जिसपे प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो जाए, नंबर ऑफ यूनिट जिसपे आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, तो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज आपको करना पड़ेगा। तो पूरा इकोनॉमिक्स का टर्म और कैलकुलस, आपका डिफरेंशिएशन एंड इकोनॉमिक्स मिल करके बनेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन, और जिसको हम कहेंगे कैलकुलस वन। एंड एडवांस कैलकुलस भाई साहब ध्यान रखिएगा 25%, ये 15 का तो ये है, 25% 25% आपका एडवांस कैलकुलस रहने वाला है। अब एडवांस कैलकुलस में क्या रहेगा, एडवांस कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन रहेगा। हाँ ये एक अच्छी खबर है आपके लिए कि इसमें किसी भी प्रकार का ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी टर्म्स दूर दूर तक यूज नहीं होंगे। तो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, इसको हम एडवांस कैलकुलस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों कैलकुलस ही इसमें कि आपको डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। और आप देखिए इसकी इंपॉर्टेंस को जरा समझिए, कितने परसेंट आपका हो गया बच्चे, 40%, 40%। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लगभग लगभग आधा पेपर तो आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का रहेगा। तो आप इसको कैसे हल्के में ले सकते हैं, और पूरे YouTube पे आप देख लो शिक्षा धाम को छोड़ करके कोई भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो नहीं है, वो 12th वाला चिपकाया हुआ है सबने। और आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, अगर आप किसी भी चैप्टर को अगर आप स्टडी करते हो ना, तो आप एक बार उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाके देखो कि प्रीवियस ईयर में चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आए हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप देखोगे आपको पता ही, आप ये सोच के हैरान हो जाओगे कि यार मैं जो पढ़ा उसमें से कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, जो कि शिक्षा धाम के चैनल पे और शिक्षा धाम के पेड कोर्सेज पे बिल्कुल ये सारी चीजों को पूरी अच्छे तरीके से पूर्ति करवाई जाएगी। और चाहे आपका पेपर नवंबर में हो, दिसंबर में, जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम आपको एक ही फीस में पढ़ाते रहेंगे। और फीस का अमाउंट भी क्या है, एक पिज्जा के बराबर इसका रेट रखा है आपको, ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, और कोई बच्चा ऐसा नहीं हो कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अफोर्ड ना कर पाए और वो फिर सेल्फ पढ़ने के चक्कर में उसका अपना बैक ले आए और अपना स्टडी कप स्पॉइल कर ले। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बच्चे, इसमें आपको एनुटी का क्वेश्चन आपका हो गया, आपका सेंसेक्स का क्वेश्चन हो गया, आपका आपका सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आपका हो गया, प्रेजेंट वैल्यू आपके क्वेश्चंस हो गए, डिस्काउंट रेट क्वेश्चन हो गया आपका, जबरदस्त तरीके से यूज होगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होता है। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपका एग्जाम में 20% का वेटेज रखता है, एंड उसके बाद आपका एक लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि 20% का वेटेज रखता है। सब कुछ नया है आपके लिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला जो आपने पहले कभी पढ़ा है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर हमारा 11th 12th में मैथ्स नहीं थी तो हम कैसे कवर करेंगे। अगर ऐसे कोई बच्चा है जिनमें 11th 12th में मैथ्स नहीं थी और उनको बिजनेस मैथ्स मिला है, तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपको उस लेवल से पढ़ाया जाएगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप पे कभी मैथ्स नहीं थी। और जिनमें मैथ्स थी उनको भी इसका कोई खास एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जैसे यूनिट आपका नहीं था। हाँ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में आपका जो 20% का, यहाँ पर थोड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा, बट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आता है एग्जाम में, तो वो तो आपने इतने अच्छे तरीके से 11th 12th आपने जो 12th में भी नहीं पढ़ा था। और कैलकुलस आपने बेसिक क्वेश्चन रूल चेन रूल ये सब सीखा था, लेकिन आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ऑफ सीखना है। तो जो आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ आपका नहीं आ रहा है आपका बिजनेस मैथ्स में, तो आपको इसका एडवांटेज भी नहीं है, और जिसका नहीं था जिसके पास में मैथ्स उसको इसको डिसएडवांटेज भी नहीं है। तो जिन बच्चों में मैथ्स नहीं थे वो खुश हो जाओ कि भैया मैं आपको लेकर के चलूंगा कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, आपको एहसास नहीं होने दूंगा कि आपके पास में पहले मैथ्स नहीं थे, आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे, हिंदी की तरह आपको गणित समझा दूंगा, प्रॉमिस है आपके साथ में। हाँ जी, तो ये आपका कुछ सिलेबस है। अब इनके अंदर कहने को तो 5 यूनिट है, लेकिन अंदर क्या इसके कंटेंट है उस कंटेंट की हम बात कर लेते हैं। बच्चे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो आप उसको देखते हैं। आपका तो खैर 12th से थोड़ा बहुत मैच करेगा, ओवरव्यू ऑफ द मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, लीनियर इक्वेशन हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन एंड द इन्वॉल्विंग द नॉट मोर देन द 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल आएंगे, यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मैथड एंड द क्रैमर्स रूल्स, ये पेपर में आएगा, क्रैमर्स रूल एंड लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, ये पेपर में आएगा आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में, ध्यान रखना। कैलकुलस में क्या आएगा, कंसेप्ट एंड द रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो ये तो कंसेप्ट एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि बेसिक है, जो कि मैं भी करवाऊंगा आपको, कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल एनालाइज, मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिन, ये सारी चीजें, मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, और कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आपको लग रहा होगा नहीं ये तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे,
बच्चे बिजनेस मैथ्स का यूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे यूज होगा, बिजनेस मैथ्स का, कैलकुलस का यूज करेंगे इस पे हम। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रॉब्लम्स, रिवेन्यू कोस्ट, रिवेन्यू मैक्सिमम कैसे करेंगे, कोस्ट को मिनिमम कैसे करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भैया पेपर में आएगा, ये तो मैं आपको डे वन ही बता देता हूँ, हर एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कैसे आएगा, पेपर में आएगा। लेकिन एक ही क्वेश्चन में दो चार सवाल पूछता है तो उन सब में कवर होगा ये। कैलकुलस टू, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें रहेगा, अप टू सेकंड ऑर्डर, होमोजेनिटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना, एलियर थ्योरम, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन देखो इसमें जबरदस्त तरीके से पूछता है, रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर, रिटर्न्स टू अ स्केल। सिर्फ मैथ्स का टीचर बिजनेस मैथ्स नहीं पढ़ा सकता है, ये भी ध्यान रखना, वो टीचर आपका बिजनेस मैथ्स पढ़ा सकता है जिसको जो इकोनॉमिक्स का भी रहा हो, जैसे कि शिक्षा धाम पे मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ और आपको मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो बिजनेस मैथ्स में इकोनॉमिक्स का कोई भी टर्म आएगा उसको इकोनॉमिक्स की तरह अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको मैं मैथ्स में यूज आपको करवाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा, प्रॉब्लम इन्वॉल्व द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटीग्रेशन, नेचर ऑफ द कॉमोडिटीज एंड द पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, एप्लीकेशन ऑफ द मार्जिन एनालाइज, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। भैया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर सरप्लस, यार काफी साल से पढ़ा रहे हैं, टॉपिक को देखते ही पता है क्या पेपर में आएगा। ये सब आपके शिक्षा धाम एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन पे कोर्स का लिंक है, जाइए उसमें आइए, अभी सबका कोर्स स्टार्ट होगा, उन सब में वीडियो पे स्टार बनाऊंगा। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, बच्चे बहुत ही आपका इस चैप्टर की यूटिलिटी है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत यूटिलाइज करने वाले हैं चैप्टर को आप। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल, इफेक्टिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इन द डिफरेंट कंपाउंडिंग सिचुएशंस, कंपाउंडिंग अ सम यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेट एप्लीकेशन रिलेटिंग द डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट्स एंड द एवरेज ड्यू डेट एंड टाइप्स ऑफ द एनुटी। पेपर में तो यही छाता है, पेपर में तो यही छाता है, टाइप्स ऑफ एनुटी, डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ द रिलेटिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द लीजिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या आने वाला है, तो भैया फॉर्मुलेशन एंड द अजम्पशंस ऑफ द एलपीपी, सॉल्यूशन बाय द सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, शैडो प्राइस, तो ये सारे स्पेशल केसेस आपके पास में, आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूनिक एंड द मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आपका यह आता है कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, टाइम टू टाइम क्लासेस, जैसा आपके क्लासेस का शेड्यूल क्या है, TTS 7:15 टू 8:15 मेरे साथ में आप इंगेज रहेंगे लाइव क्लासेस में, और क्या रहेगा आपके इंटरनल्स के लिए हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे, लाइक अगर मैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, इंटरनल्स में कोई और यूनिट आपके आ रहा है, किसी बच्चे के कोई और आ रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे जो हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस है, हम आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे ताकि इंटरनल कवर हो जाए, बाकी तो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा ही। उसके बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, जो भी मैं वीडियो पढ़ाऊंगा, जो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको जो है उसी वीडियो के नीचे अटैच होंगे, अटैच हो जाएंगे, जिससे कि आप इजिली बाद में नोट भी कर सकते हो, बार बार स्क्रीनशॉट लेने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट में आपको एक मेरा डाउट नंबर मिलेगा, जो नंबर मेरे पास है मेरे फोन में रहेगा, ऐसा नहीं कि वो टीम के पास में रहेगा, तो मैं आपके डाउट्स को देख सकता हूं, मैं आपके डाउट्स को आपको रिप्लाई कर सकता हूं, आप अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको मार्क करके भेज सकते हैं, मैं आपके उस क्वेश्चंस को ऑडियो मैसेज के थ्रू आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपका सॉल्व होगा तो डाउट सॉल्यूशन आपको फीचर मिलेगा। आपके एग्जाम्स और क्या मिलेगा, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट 5 ईयर के क्वेश्चन, पिछले 5 साल के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो पाएगा कि पेपर किस तरीके से आ रहे हैं। और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके एग्जाम से अप्रोक्सीमेट 20 to 30 days पहले आपका कोर्स कंबाइंड खत्म होगा। और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, आपके टेस्ट होंगे, यूनिट कंप्लीट होगा तो उसका टेस्ट होगा, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, तो ये सारी चीजें आपको एक बैच के अंदर मिल रहा है, तो फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इतना योजना और प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। योजना प्लान वहां बनता है जहां पर एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है कि भैया पैसा कैसे मैनेज करें, ले ना लें, सेल्फ कर लेते हैं, जब आपके एक पिज्जा को सेक्रीफाइस कर दो आपका कोर्स आ जाएगा,
जब हमने वो रेट रख रखा है तो उस पर सोचने के इफ और बट का कोई रीजन ही नहीं है। क्लियर है बच्चे? तो मैंने आपको फिर से आपको मैं अवेयर कर रहा हूं बच्चे, अगर आपने अभी शुरू नहीं किया तो पेपर से एक महीने पहले भी शुरू मत करना, क्योंकि उसका शुरू करने का कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, आपका बैक लग जाएगा। बिजनेस मैथ से बच्चे एक्सपीरियंस से सालों से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस के दम पे पहली बार मैं बात कह रहा हूँ आपको, इसको आप मान लीजिएगा। अगर आप मेरी बात का पालन करेंगे तो आप मुझे बहुत याद करेंगे, अगर आप मेरी बात का पालन नहीं करते हैं, मेरी बात को नहीं मानते हैं, तो आप मुझको और भी याद करोगे कि काश मैं मान लेता। तो ये कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और सही बच्चे जल्दी से अपने कोर्सेज के अंदर फटाफट एक बार में देखते ही आप एनरोल हो जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चनिंग आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आपके पास में वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आओ कोर्स के अंदर आओ, आप कोर्स के अंदर कंटेंट देखो, या पढ़ाने का तरीका देखो। जेके ठकराल बुक मैं आपका फॉलो करवाऊंगा, 10 ईयर सिद्धार्थ मैं आपको फॉलो करवाऊंगा, आपके एक पिज्जा के रेट में आपको जब इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप आइए कोर्स के अंदर आइए। क्लियर है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका बहुत इंटरेस्टिंग, जिसका आपकी लाइफ में बहुत यूटिलिटी है, चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो गुड लक बच्चों, तो जल्दी से आप लोग अपने कोर्सेज के अंदर आएं और उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।